नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से प्री एग्ज़ाम कैसे देना है स्टेप बाय स्टेप जानने में ज़रूर मदद हुई होगी। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है उनको रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अब आप वेट कीजिए 2 दिन का अपने रिजल्ट आने का। और जो लोग किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए, अब आप जान गए हैं कि आपने क्या गलतियाँ करी या किस वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्या कारण रहा, अब उसको आप इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि बालाजी ग्रुप इस प्रतियोगिता का हर वर्ष आयोजन करता है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए वेट कीजिए और ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है वो लोग अब क्या करें, कितने नंबर का पासिंग मार्क होगा और कब रिजल्ट आएगा, इसके बारे में उनको जानकारी कैसे होगी और वो रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, ये कैसे उनको पता लगेगा, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे करके ऑन कर लिया होगा तब। तो जब आपने एग्ज़ाम स्टार्ट किया, आपको परीक्षा के दिशा निर्देश का ऑप्शन आया, वहाँ पर आपने टिक करके जैसे ही स्टार्ट किया, पूरे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपकी क्लास कौन सी है, उसको टिक करके जैसे आपने स्टार्ट किया तो सारे क्वेश्चन आपके क्लास के एक नंबर से आ गए। तो जब वहाँ पर आपने एक एक क्वेश्चन को आंसर करके नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक किया होगा, तब आपको आपकी उत्तर पुस्तिका स्वीकार की जा चुकी है। परीक्षा परिणाम 29 नवंबर 2023 को हमारी वेबसाइट samtc.online के माध्यम से दिखाए जाएंगे। ऐसा अगर आपको शो हुआ है, नीचे व्यू एक्यूरेसी का बटन आया है, तो इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम सबमिट हो गया है। और अब बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम 2 बार सबमिट हो गया है उनके लिए क्या होगा। तो आपने जो पहली बार सबमिट किया था वही आपका रिजल्ट में आएगा, वही आपका मान्य होगा। तो अगर गलती से आपने 2 बार सबमिट कर दिया तो कोई बात नहीं है। अब आप 2 दिन का वेट कीजिए, 29 नवंबर का इंतज़ार कीजिए। 29 नवंबर को सेम वेबसाइट जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया, जहां से आपने एग्ज़ाम दिया, वहीं पर आपका प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट भी शो होगा। कैसे होगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन की बटन दिखाई दे रही थी और आज जहां पर आपको प्री एग्ज़ाम की बटन दिखाई दे रही थी, सेम जगह पर आपको प्री एग्ज़ाम रिजल्ट की बटन शो होगी। आपको उस पर क्लिक करना होगा और अपने रोल नंबर यानी कि अपने मोबाइल नंबर को डालना होगा, और जैसे ही सर्च पे आप क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा और कितने नंबर आए हैं, क्या आप कट ऑफ में आए हैं या नहीं आए हैं, इसकी जानकारी आपको वहां पर लग जाएगी। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि मेन्स एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाइड भी हैं या नहीं हैं, इसकी भी जानकारी लग जाएगी। तो अगर आपको जानना है कि क्वालिफाइड होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं या कट ऑफ इसकी कितनी होती है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। या फिर आप अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में, हम आपके लिए वो वाला भी वीडियो लेकर के आते हैं। धन्यवाद।